हेलो एवरीवन, तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेरेटा यानी कि छोटी पिस्तल। बेरेटा छोटी पिस्तल मूल रूप से यूएसए में बनी 20 कैलिबर की सबसे छोटी पिस्तल थी, जिसका अमेरिका के मैरीलैंड राज्य उपनिवेश की एक ही केस शहर में सन 1985 तक उत्पादन हुआ। क्योंकि 1984 से इटली की बेरेटा कंपनी ने इसके उन्नत मॉडल बेरेटा 21A बॉम्बकैट और बेरेटा 21A बॉबकैट के नाम से उत्पादन शुरू कर दिया था, इसलिए अमेरिका की यह छोटी पिस्तल अब दुर्लभ शस्त्र की श्रेणी में आ गई। बेरेटा 20 कैलिबर अमेरिका की छोटी पिस्तल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी प्रकार की बात करें तो अर्ध स्वचालित पिस्तौल है। उत्पत्ति का मूल स्थान पहले यूएसए, बाद में इटली। निर्माता की बात करें तो बेरेटा यूएसए। उत्पादन की तिथि की बात करें तो वर्तमान इटली 1984 से। इसकी संस्करण की बात करें तो बेरेटा 21 बॉबकैट और बेरेटा 21A बॉबकैट। इसकी जो वजन होती है 325 ग्राम, लंबाई 125 मिलीमीटर, फीड करने के लिए प्रणाली होती है 8 गोलियां। आसानी से मनीष की हथेली में आ जाने वाली यह पिस्तौल जेब में भी आराम से रखी जा सकती है। नथुराम गोडसे ने इस मॉडल की पिस्तल से महात्मा गांधी की हत्या की थी। जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस समय इसी पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था, जिसका नाम क्या था, बेरेटा, जो यूएसए की बनाई गई। मुकदमे के दौरान न्यायालय में नाथुराम गोडसे द्वारा दिए गए बयान के अनुसार इस प्रकार की पिस्तौल उसने नई दिल्ली में एक शरणार्थी से खरीदी थी। जो नथुराम गोडसे ने वो पिस्तौल बाद में उन्होंने बताया कि हमने एक दिल्ली में किसी शरणार्थी से खरीदा। पिस्तौल की विशेषता की बात करें तो वैसे तो अमूलन आजकल सभी पिस्तौलों की नली फिक्स ना होकर एक अलग चैम्बर में आगे पीछे की ओर खिसकती है, और ऐसा कारतूस के फटने से उत्पन्न गैस के अत्यधिक दबाव के कारण होता है। परंतु सभी पिस्तौल की लीक से हटकर इस नाल या बैरल आगे की तरफ से रिवाल्वर की भांति स्टील की एक नील किल में प्रयोगी होती है। नाल के ऊपर उठते ही इसका एक एक कारतूस दगने के बाद उसका पीतल वाला खोखा अपने आप बाहर आ जाता है और ऊपर की उछल जाता है। फायर हो जाने के बाद नाल पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इसके साथ ही इसके नीचे लगी मैगजीन में से दूसरा भरा हुआ कारतूस फायर करने पर इसमें नाले ही में अपने आप चला जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक लगातार 8 फायर इस पिस्तौल से किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें फायर करते समय झटका बिल्कुल नहीं लगता और निशाना ठीक बैठता है, परंतु इसे चलाते समय निशानेबाज को अपना सिर बचा कर रखना होता है, अन्यथा पीतल का खोखा चोट पहुंचा सकता है। इसलिए इसकी नाल पर स्पष्ट चेतावनी लिखी होती है, पिस्तौल चलाने से पूर्व इसकी प्रयोग विधि समझ लें। परंतु अब इस पिस्तौल के समुच्चय मॉडल इटली और अमेरिका दोनों देशों में बनाए जाने लगे हैं। पॉकेट पिस्तौल के रूप में इसे लोकप्रियता अस्दिग्ध हुई है। आशा करते हैं कि बेरेटा पिस्तौल के बारे में आप सबको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में।